सर, कई दिनों से मोटरसाइकिल चोरी होने की वारदातें हो रही थी। उच्च अधिकारियों ने इसको बड़ा सीरियस से लिया कि रोज़ रोज चोरियाँ नहीं होनी चाहिए। हमारे थाने की भी 3-4 बाइक्स चोरी हुई थी। तो कई दिनों से मोटरसाइकिल चोरी होने की वारदातें हो रही थी। उच्च अधिकारियों ने इसको बड़ा सीरियस से लिया कि रोज़ रोज़ चोरियाँ नहीं होनी चाहिए। हमारे थाने की भी 3-4 बाइक्स चोरी हुई थी। तो थाना स्तर पर एक टीम गठित करी 8 आदमियों की, और उनको कहा कि ढंग से इस मामले को देखें और तलाश कराएं। 10 जून को एक मुकदमा दर्ज हुआ मोटरसाइकिल चोरी का, 218/24। उसमें टीम ने तलाश करना शुरू किया तो संदिग्ध को पकड़ा। संदिग्ध से पूछताछ करी तो संदिग्ध हैं कान सिंह सनो भरत सिंह, जाति चारण, उम्र 23 साल, गोदियाना किशनगढ़ के रहने वाले हैं। उससे पूछा तो उसने ये मोटरसाइकिलें चोरी करना और अपने पास रखना बताया, कबूल किया। उस 218 नंबर के मुकदमे में उससे जो मोटरसाइकिल मिली वो बरामद करी है। इसके अलावा भी 6 मोटरसाइकिलें और मिली हैं जो उसने अलग अलग जगह से चोरी करना बताया है। उन सारी मोटरसाइकिलों को नियमानुसार जब्त कर इसको गिरफ्तार किया गया है और न्यायालय में पेश किया गया है। वही आर्थिक कारण, चोरी की मोटरसाइकिलें कहीं दूसरी जगह बेचने के फिराक में था, इसी बीच कोई हमारे हाथ लग गया और पूछताछ में इसने बताया चोरी। अभी तक के अनुसंधान में तो ये अकेला ही हमारे पास आया है, अकेले के पास ही बरामद हुई है। फिर भी इसमें अनुसंधान जारी है, जैसे अगर इस तरीके की कोई और मुलजिम के बारे में पता चलेगा तो नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। आपराधिक रिकॉर्ड तो अभी मंगवाया है, इससे टोटल 7 गाड़ियां बरामद करी है जो हमारे मुकदमे में। ये किशनगढ़ का रहने वाला है। ठीक है सर।